हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम देखेंगे निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है, तो क्विकली देख लेते हैं कि कल हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो मार्केट आज देखेंगे, कल की अगर हम लोग बात करें, कल का डिस्कशन हुआ था हम लोग का, तो कल हम लोग बोले थे कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो एक सेलिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। अगर 1650 के आसपास गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप, और वो भी डिस्कस हुआ था कि अगर मार्केट को अपसाइड के लिए हम लोग को ट्रेड करना है तो अगर इन लेवल्स के आसपास खोले फिर ऊपर जाए तो हम लोग ट्रेड करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। डाउन साइड में देखेंगे, डाउन साइड में ऐसे बोला था कि अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो हम लोग इन लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। हालांकि पहले ही 5 मिनट में मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, तो यहाँ से ओपन होके ये वाला टारगेट आउट होते ही अपना वापस रिवर्सल ले ली। फिर सेकंड ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे एक ले सकते थे, हालांकि मेरी पोजीशन कैरी फॉरवर्डेड थी तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, सिर्फ यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ पे जो बनाई थी इसको स्कोर अप कर लिया। अब क्या करना है हम लोग को, अब नेक्स्ट लेवल के लिए बाइंग करने के लिए थोड़ा हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा सा कन्फर्म करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक बार इस जोन में थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि 18600 ऑल टाइम हाई है। तो थोड़ा सा अगर टाइम लेके ये ब्रेकआउट देती है यहाँ पे तो हम लोग फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग अच्छी खासी मिल सकती है, नहीं तो छोटे क्वांटिटी में बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट लगातार ऊपर जाती जाएगी तो स्ट्रेच होता जाएगा थोड़ा सा। हालांकि कहाँ तक जाएगी वो बताना मुश्किल है, और अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाती है तो एक प्रॉब्लम हम लोग को ये भी आएगी कि इंट्राडे ट्रेड्स नहीं मिल पाएगी हम लोग को। मार्केट लगातार गैप खुलेगी, या तो एक बार दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास देखोगे तो गैप खुल रही थी, इंट्राडे ट्रेड नहीं मिल रही थी, तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो ठीक ठाक होगा, बट यहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेड लेना चाहो तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर लगातार गैप खुलेगा तो। तो अगर अच्छी ट्रेड हम लोग को चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट कंसोलिडेट करके निकले यहाँ पे वेंसडे थर्सडे के आसपास, तब एक अच्छी ट्रेड हम लोग को मिल सकती है। डाउनसाइड की बात करें तो डाउनसाइड अभी मार्केट थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर रेंज में रहना हो तो ये इसकी रेंज हो सकती है निफ्टी की, इन लेवल्स के बीच में ट्रेड्स लिया जा सकता है। इधर साइड से डाउन साइड की अगर यहाँ से रिजेक्शन लें लेवल से तो डाउन साइड की ट्रेड्स ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। फॉलोइंग अगर इसकी तरह अगर नीचे से यहाँ से रिवर्सल लेता है तो सिमिलरली यहाँ पे पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। रेंज के अंदर ऐसे ट्रेड करना थोड़ा बहुत सीख जाना चाहिए, आसान होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी इन केसेस में छोटा होता है। और रिवर्सल नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट नीचे आ जा रही है, तो छोड़ दो उसको, उसको ट्रेड मत करो। अगर पैटर्न मिलता है, जैसे यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाता है यहाँ पे, उसके बाद अगर ये वाली ट्रेड लेते तो ये अच्छी जाती है। अगर डायरेक्ट गिर जाती तो डायरेक्ट गिरने पर भी कोई ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है फिर यहाँ से। यहाँ पे देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था यहाँ से, अगर डायरेक्ट गिर जा रहा है यहाँ से, डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ गया, कोई बात नहीं छोड़ दो उसको, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, नए ट्रेड लेंगे तो पैसा ही बचेगा हमारा। यहाँ से देखेंगे अगर इन लेवल से हम लोग ब्रेक लेते तो हालांकि मार्केट बंद होने वाली थी, बट फिर भी एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है हम लोग को। तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे, बाइंग साइड में अगर खुलती है मार्केट तो छोटी ही ट्रेड लेंगे, और रेंज में रहती है तो फिर हम लोग वेंसडे थर्सडे में प्लान करेंगे कोई अच्छी ट्रेड। अब बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा वीक थी निफ्टी से। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बना रहा है, और मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुली थी, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं था इसको ट्रेड करने में, क्योंकि निफ्टी इसके कॉन्ट्रेरी में थोड़ी सी बुलिश नजर आ रही थी, तो यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड्स नहीं लिए, फिर वेट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ रिजेक्शन ले, रिजेक्शन भी इसने अच्छे से नहीं लिया, थोड़ा सा पहले ही रिजेक्शन ले लिया, और यहाँ पे एम पैटर्न भी प्रॉपर नहीं बनाया यहाँ से। अगर एम पैटर्न बना के नीचे चला जाता तो हम लोग को अच्छी ट्रेड मिल सकती थी डाउन साइड की बैंक निफ्टी में। फिर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इन लेवल्स के आसपास हम लोग को फिर एक ट्रेड अगर चाहते हो तो बैंक निफ्टी में मिल जाती, यहाँ से पहला टारगेट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से पहला टारगेट अपना ये मिलता, और फिर सेकंड टारगेट तो ये वाले लेवल्स पे ले सकते थे, हालांकि प्रॉपर लेवल ये वाला होता, लेकिन पहले से ही इसने देखेंगे रिजेक्शन लेके यहाँ से नीचे आ गया। तो फिलहाल अभी ये वाले लेवल्स मेंटेन करके रखना है, एक बार प्रॉपरली मार्क कर देते हैं बैंक निफ्टी के ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले समय में। ये लेवल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपसाइड के लिए बहुत ही सिंपल है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड में, क्योंकि अपसाइड में बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी देखेंगे स्ट्रेच नहीं हुआ, इनफैक्ट इन लेवल्स पे कुछ दिन से ये बना हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, इस लेवल के बाहर नहीं गया, तो इन लेवल्स के ऊपर अगर हम लोग को बैंक निफ्टी मिले तो बैंक निफ्टी ज्यादा हम लोग प्रेफर करेंगे ट्रेड करने, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती, हो सकता है स्ट्रेंथ निफ्टी की ज्यादा ही हो, थोड़ा सा ये गेस करना थोड़ा सा कभी कभी डेंजरस हो जाता है कि कौन ज्यादा मूव करेगा। बैंक निफ्टी बहुत दिन से मूव नहीं किया तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक निफ्टी अब ज्यादा मूव करेगी। डाउन साइड की ट्रेड सिंपल इन लेवल्स के नीचे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हालांकि बहुत बड़ी 42857 के आसपास हम लोग यहाँ पे इस लेवल्स के नीचे हम लोग डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं,
टारगेट्स अपने एनवायर लेवल्स के होंगे। अगर कल मार्केट नीचे आती है तो नहीं तो इस रेंज में रहती है जब तक, तब तक उसमें कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अपने लेवल वाइज ट्रेड करेंगे इसमें। बैंक निफ्टी थोड़ी सी चॉपी है अगर रेंज में रहती है तो, अगर रेंज में रहता है तो फिर निफ्टी ट्रेड कर लेंगे उस केस के अंदर। वीकली में देखेंगे तो वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश दिख रही है। यहाँ पे अगर ईयर लेवल्स देखेंगे, ये ड्रॉइंग्स हटा दें, मोटी सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेवल पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कप एंड हैंडल बना के ब्रेकआउट दिया है। तो वीकली चार्ट पे पूरी तरह से बुलिश है बैंक निफ्टी, अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे फिर से, लेकिन एक अच्छी ट्रेड हम लोग को मिल सकती है अपसाइड के लिए। डाउन साइड में भी हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, अगर डाउन साइड आती भी है तो बाय ऑन डेक्स वाली मार्केट है मेरे लिए। इंट्राडे ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि उसका उसको पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड मत करना किसी भी हाल में जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। जैसे इन लेवल्स के नीचे हम लोग को अगर बैंक निफ्टी मिले फिर कैरी फॉरवर्डिंग वाली ट्रेड बड़ी ट्रेड लेने की सोचेंगे, तब तक इससे पहले कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। तब तक के लिए बाय।